आज पहली बार हुआ जो स्पीकर नहीं आए, कल आज पहली बार हुआ। हम लोग करीब 2 साल से करवा रहे हैं प्रसाद साहब। नहीं तो कुछ हाँ कभी कभी कुछ कुछ हो जाता है, अब आप उसको कुछ जरूर कुछ बात हुई होगी, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ प्रसाद साहब कुछ स्टार्ट करवा दीजिए, रूरल ह्यूमन एम्पावरमेंट इन दिस प्रेजेंट पॉलिटिकल जंक्चर में हम लोग क्या सोचते हैं, ये हम लोग आपस में डिस्कस कर लें। सभी को कुछ कुछ तो मालूम है, बात कर बड़ा होगा। हेलो, हाँ नहीं ऑन नहीं हुआ अभी। हेलो, हाँ बोलो बोलो प्रसाद साहब। ठीक है, आ गया आ गया, मैं आ गया। आपका माइक म्यूट है। ठीक है ठीक 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 हिंदी कर दो। ठीक, ये विमेन एम्पावरमेंट कुछ अगर लेख हो तो लिख लिया, तो किताब मेरी किताब में उसमें देख लिया। अमिताभ जी, अमिताभ जी एक देखिए, इसमें ऐसा है ना, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, ये तो आकस्मिक घटना हो जाती है। इसमें बेहतर ये होगा कि जैसे नागेश झा जी हैं, तो डेवलपमेंट पे भी आपने और आपका जो है डेवलपमेंट और के कामों में कॉरपोरेट सेक्टर के भी आपने देखे होंगे, तो नागेश जी अवेलेबल हैं, तो नागेश जी से ही रिक्वेस्ट कर लें। नागेश जी से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जनार्दन जी से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रसाद साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वर्मा जी को जनार्दन जी ने प्रपोज किया है, वर्मा जी भी बोल सकते हैं। तो हम लोग शुरू करें। अमिताभ जी जैसे ये कहेंगे ना कि हमारे सुनिए ना, I must own up my difficulties. वो difficulty ये है कि हमारा program जो है 27 तारीख को, तो I am in a real soup about it. तो real soup about it. इसके हम एकदम बिल्कुल ही नहीं concentrate कर पा रहे हैं। बहुत सारे चीज है, 4 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर है, अभी जमा कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन हम लोग समझ नहीं आ रहे उसी में लगे हुए हैं। आज 10 महीने हैं, हम तो आज माफी मांगते हैं आपसे, लेकिन कल ये है कि आप लोगों का प्रेम है जिसके वजह से हम नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत हम शामिल हो जाएंगे, बट नॉट एज अ स्पीकर, not as a main speaker. Okay. Speaker, I will be with you, keep listening to you, and keep also doing my work. But I cannot be the main speaker today. नहीं, आप खाली स्टार्ट करवा दीजिए और नागेश झा जी या वर्मा साहब अभी स्टार्ट करें, पहले आप स्टार्ट करवा दीजिए, अपना आशीर्वाद कर दीजिए। तो मैं ठीक है शुरू कर रहा हूँ, इतना शुरू करवा दीजिए बस। हाँ हाँ बिल्कुल। हम तो देखिए, मेरे बड़े खास मित्र लोग जो है, उमेश जी, अमिताभ जी, नागेश जी, आज सुबह हमारे खान साहब से बात हुई थी, और ये बड़ी हमको कभी कभी तकलीफ होती है कि इतवार के दिन, संडे के दिन ठीक 7 बजे कुछ आकस्मिक ऐसे काम आ जाते हैं जिसके वजह से ध्यान हमारा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आज भी वैसा ही कुछ ऐसा मोमेंट है, लेकिन तब यह है आप लोगों से क्षमा मांगते हुए हमारा आग्रह यह है कि आप लोग आपस में ही जो बातें करेंगे, जिस भी विषय पर बातें, उसमें जरूर शामिल रहूंगा, सुनते रहूंगा, और जहां भी हमको हमारा मन करेगा हम अपनी बात आपके सामने रखेंगे। हमको ये मालूम होना चाहिए कि आप लोग किस विषय पर आज चर्चा कर रहे हैं, हमें बड़ी खुशी होगी आपके साथ मिलके हमेशा जुड़े रहने का। ये तो हमारा दृढ़ संकल्प है कि कभी हम इस पे हम
फिर टिकेंगे नहीं। तो आज आप लोग शुरू करिए, बड़े विद्वान लोग हैं, उमेश जी है ना, कितने विद्वान हैं, नागेश जी हैं, कितने विद्वान लोग हैं, और अमिताभ जी तो जी, अमिताभ जी तो बिल्कुल वो नाम नाम ही इतना सार्थक है कि सबको रोशनी दे देते हैं, सबको रोशनी मिलती है इनसे। तो अमिताभ जी आप लोग शुरू करिए, हम सुनते रहेंगे, हम आपके साथी हैं। थैंक यू थैंक यू। मेरे ख्याल से अमिताभ जी नागेश जी बोलना चाहते हैं महिला सशक्तिकरण पे, है ना, कि महिलाओं को सशक्त बनाना क्यों जरूरी है और किस प्रकार से हमारे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में आजादी के तुरंत बाद ही महिला सशक्तिकरण के काफी कार्यक्रम चले अर्बन एरियाज में भी और रूरल डेवलपमेंट रूरल एरियाज में भी। तो नागेश जी को रिक्वेस्ट करें कि नागेश जी इस पे बोलना प्रारंभ करें। नागेश जी कुछ कहना भी चाहते हैं। नागेश जी नागेश जी कर रहा हूं। हाँ जी हाँ, हाँ। बोलिए। आज ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने उमेश जी, आज देखिए मदर्स डे भी है। हाँ सर बिल्कुल, सारे सारी दुनिया में आज का दिन। हाँ हाँ बिल्कुल सर, नारी सशक्तिकरण के लिए जाना जाता है। जी जी। और माँ से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है जी, किसी किसी युग में नहीं रही है जी जी। और जी हमारे तो संस्कार है, हमारे तो ऐसे तो हजारों साल का संस्कार है जी, धर्म को हम मानते ही नहीं है, तो उसको वह जीवन जीते हैं जिसमें परिवार की परिवार में सबसे वो देखिए परिवार क्या है, जिसमें जिसमें जो जो एक दूसरे से प्यार के डोर से नहीं जुड़ा हो वो तो परिवार हो ही नहीं सकता। जी हाँ सर, जी हाँ। ये अगर जुड़ गया, परिवार के सभी लोग जुड़ जाते हैं, धागे से जुड़ जाते हैं, तो समाज जुड़ जाता है। और ये सारी क्या बोलने का मन कर रहा है, लेकिन तब यह है कि हम कभी कभी सोचते हैं सर जी, कि हम लोगों को जो आजादी मिली तो हम लोगों ने डिस्टिंग्विश नहीं किया कि मर्द और औरत में, औरत को बाद में देंगे फ्रेंचाइज देंगे और उनको और मर्द को पहले देंगे, या ये भी नहीं कहा कि पहले जो है पढ़े लिखे लोग हैं उनको हम उनको हम एलिजिबल बनाएंगे। हमने कहा सब कोई मर्द हो औरत को 18 वर्ष से उम्र जितनी ज्यादा हो वो सबके सब को हमको अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। कैसा कैसे कैसे शासन कैसा शासक हो इसे चुनने का अधिकार सबों को बराबर मिला है। लेकिन अभी सोचिए कि अमेरिका जैसा इतना महान देश, उसके यहाँ ये सवाल कितने सेंचुरी तक पड़ा रहा। और वो मेरा ख्याल है 1920 में उनके यहाँ कानून बना, 1920 में कानून बना कि चलो तुमको भी हम फ्रेंचाइज की राइट देंगे। और वो भी इसलिए कि इनको जरूरत थी महिलाओं के सपोर्ट की, क्योंकि एक कांग्रेस इनको सपोर्ट नहीं कर रहा था कि आपको हम नहीं चाहते हैं कि आप यूरोपियन वॉर में आप अमेरिका जो है साथ दे, तो इसमें इन्होंने महिलाओं को कहा कि हम तुमको वोट देने की अधिकार हम दे देंगे, तुम हमारे साथ हो जाओ। वो हुआ भी नहीं, लेकिन आप सोचिए कि हम लोगों के यहाँ कितनी सेंचुरीज पहले हम लोग यह काम कर दिए होते अगर कॉलोनियल सब्जुगेशन नहीं होता। ये तो एक हाइपोथेटिकल बात है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि अगर हम विदेशी शासन के अधीन नहीं रहते तो यह अधिकार जो
आजादी की या स्वतंत्रता का सबसे पहला रिवार्ड है, सबसे पहला रिवार्ड है स्वतंत्र होने का, कि हम अपनी सरकार को खुद चुनेंगे, हम अपनी सरकार को खुद बनाएंगे और हम सब बराबर बराबर के, हम सब एक दूसरे के बराबर है, कोई बड़ा है नहीं, कुछ अपॉर्चुनिटी के ख्याल से कोई बड़ा छोटा नहीं है। तो ये चीज जो हमने 1947 या 1950 में की, अगर हमारी, अगर हम कॉलोनियल एम्पायर के सब्जेक्ट नहीं होते, अगर हमारे ऊपर विदेशों का शासन नहीं हुआ होता, तो शायद ये हम कई सौ सेंचुरीज पहले ये काम कर लिए होते और आज हम लोगों की महिलाएं बहुत आगे बढ़ गई होती और आज उनको महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करने की जरूरत नहीं होती, ऐसा मेरा ख्याल आया, मैंने आपको शेयर किया। पता नहीं कितने लोग इसमें, मैं ये ख्याल मुझे तुरंत आया था और मैंने आप लोगों से शेयर किया। ये दुर्भाग्य है कि हम लोगों को आज सशक्तिकरण की बात करनी पड़ती है महिलाओं की, जबकि ये हमारे संस्कार में था हजारों वर्ष के, लेकिन ये रुका रहा, पेंडिंग रहा। पेंडिंग क्यों रहा? पेंडिंग इसलिए रहा कि हम लोग विदेशों के साथ, वरना कभी किए होते। पता नहीं आप किससे एग्री करते हैं। बस इन्हीं शब्दों से मैं आपको कहता हूँ कि आप आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। रियली यही बातें हैं। अगर नागेश जी प्रारंभ करें आप भी इसको, अगर सुन रहे हैं इस बात को, जैसा सर ने कहा अखोरी माहेश्वर प्रसाद साहब ने, कि आज हमें आवश्यकता हो रही है कि हम महिलाओं को जागृत करें, और अगर हम अंग्रेजों के द्वारा शासित ना होते तो हमारे यहाँ इस समय जो महिलाओं की स्थिति है वो कहीं बेहतर होती, ये सच्चाई है सर। और इसमें लोगों को जगाने के लिए महिलाओं का जागृत होना बहुत जरूरी है। ऐसा ही हमारे जो राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने भी कहा था इस बात को, और वो जानते थे कि स्वतंत्र भारत में यदि महिलाओं को हम आगे करेंगे तभी हमारे देश का विकास हो सकता है। और इसके उनके जो अधिकार हैं और जो उनके, और आज भी देखें कि हमारे स्वयं राष्ट्र में महिलाओं के प्रति क्या सोच है। अफ्रीका में आप देख लीजिए, बोको हराम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो जब भी अपने इन कंट्रीज में अटैक करते हैं तो सबसे पहले गर्ल्स के स्कूल्स में अटैक करते हैं, और वहां से गर्ल्स जो लड़कियां हैं उनको, मतलब उनको, उनके साथ बदसलूकी करते हैं और उनको उठा के ले जाते हैं। तो पूरे दुनिया में ही आवश्यकता है कि जो हमारे राष्ट्रों की आधी आबादी महिलाओं की है, और अगर महिलाएं जागृत नहीं होंगी, अपने अधिकारों के प्रति उनको जानकारी नहीं होगी, तो राष्ट्र सशक्त नहीं हो सकता। तो नागेश्वर जी से प्रार्थना है कि इस पे, इसका महिला सशक्तिकरण पे अपने विचार व्यक्त करें। थैंक यू सर, थैंक यू। नागेश झा जी शुरू करें, खासकर ग्रामीण महिलाओं को कैसे विकसित किया जाए और उन्हें एम्प्लॉयमेंट कैसे दिया जाए, उनको फिनेंशियली, फिजिकली, इकोनॉमिकली कैसे डेवलप किया जाए अभी के प्रेजेंट पॉलिटिकल जंक्चर में, जहाँ पे, और खासकर बिहार में जहाँ पर कोई इंडस्ट्री वगैरह नहीं है, यहाँ पर कैसे उन लोगों को जागृत किया जाए, कैसे उन लोगों को एजुकेटेड किया जाए, इस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नागेश जी अमिताभ जी, आप अमिताभ नागेश जी, आप उनको फोन करिए, नागेश जी को, शायद है वो लाइन पर लेकिन इस समय एक्टिव नहीं है। और मैं इन द मीन टाइम मैं भी कुछ कहना चाहूंगा कि महिला सशक्तिकरण ग्रामीण महिलाओं के परिप्रेक्ष्य। झा जी बोलिए।
हाँ झाजी आपका आपको आपको आपसे बोलना है झाजी, हम लोग सुनना चाह रहे हैं। नागेश झाजी का अनम्यूट है, म्यूट है, अनम्यूट कर ले माइक। हाँ यस यस यस, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। यस यस, तो सर मैं आपको पहले जो रूरल लेडीज लोग हैं उन लोगों का जरा कुछ हम हिस्टोरिकल बातें बता दे रहे हैं बिहार के बारे में, तो जो मैंने बचपन से देखा है वो मैं बोल रहा हूँ सर। क्योंकि जो रूरल एरिया में जो वेल ऑफ लोग रहते थे, ये सर मैं दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन, द लेडी जो जो हमारी महिलाएं थी रूरल एरिया में, ये मैं आपको बात कर रहा हूँ 50s के बाद, तो जो भी आई मीन वेल ऑफ लोग थे मतलब अपर मिडिल क्लास वाले, वो लोग भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे। उसके बाद फिर हुआ कि आई मीन चलो शादी कर देना है, मतलब लड़का जो हो इंजीनियर हो डॉक्टर हो, बस इसी तक लोकल फंड के शादी कर दिया करते थे, नंबर वन। नंबर टू, धीरे धीरे कुछ महिलाओं में जो नेक्स्ट जेनरेशन आया जो कि जो भी है मतलब जो बुद्धिजीवियों का और जो उनकी जो बच्चे हुए राजा बच्चियां हुई, उन लोगों में कुछ शिक्षा का आई मीन प्रचार प्रसार हुआ, मतलब बच्चों को पढ़ाना शुरू किए। आई मैं उसको अब और थोड़ा क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ। इंडिपेंडेंस के बाद हमारे जो रूरल महिलाएं थी बहुत ही अशिक्षित थी, चाहे वो किसी भी फैमिली बैकग्राउंड से हो, तो उसके लगभग 60-70 तक जाके हमारी रूरल बच्चियां हैं जो नेक्स्ट जेनरेशन, वो कुछ स्कूल जाना शुरू की, पढ़ना पढ़ाना शुरू आई मीन जो उसमें अवेयरनेस आया, और उस समय उसके बाद ही हमारे रूरल एरिया में बहुत सारे लोगों में जागरूकता आई कि लड़कियों को भी पढ़ाना है। और इवन अब तो ऐसा भी हो गया, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका केवल रूरल एरिया में ही अपना जमीन जायदाद है, एस्टेब्लिशमेंट है, सब कुछ है, तो जो लड़के वाले प्रेफर करते हैं नहीं कोई लड़की जो शहर में रहती हो, शहर के कॉलेज में पढ़ती हो, तो ये सब जो एम्बिग्यूटी थी महिलाओं में वो अभी आके दूर हुई है 90s के बाद। तो जो रूरल जो लेडीज हैं अभी भी क्या हो रहा है, बहुत होशियार नहीं है नंबर वन, नंबर टू, लेकिन उनमें अपने पुश्तैनी घमंड बहुत है कि हम फल्ला के बेटी है, हम उनके बेटी है, हम वह है ये है, बट एजुकेशन की बहुत ही कमी है। तो ये मैं जो मैं एकदम प्रत्यक्ष रूप से देखा हूं वो मैं कह रहा हूं। तो आप किन्हीं की बेटी हैं लेकिन आप इतनी में आप में काबिलियत नहीं है, तो वो धीरे धीरे अपने आप धूमिल हो जाता है। जहां तक रोजगार की बात हुई, तो 90s में आके कुछ जो हमारी ग्रामीण महिलाएं, आई रिपीट बिहार की, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, बिहार की, उन लोगों में थोड़ी बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस प्लस विल पावर टू डू द जॉब, टू टेक लीड इन द सोसाइटी, टू गो टू गो फॉर ए जॉब, ये सब अभी आगे शुरू हुआ है रूरल एरिया में। अभी भी बहुत सारे जो बिहार में जो कुछ संवैधानिक पोस्ट है, मुखिया का पोस्ट, तो महिलाएं अपना वोट, इवन रांची शहर की भी मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत लोगों से मेरी है टच, तो जहां महिलाओं के लिए आरक्षित है जगह, तो वहां भी ऐसा हो रहा है कि महिलाओं के जो पतिदेव है वो अपना सारा काम करते हैं, इलेक्शन वगैरह लड़ते उड़ते हैं, जिता देते हैं और सारा चीज वही करते हैं।
ये अभी भी ग्रामीण एरिया में है। तो ये जो मैं फोकस कर रहा हूँ इस पॉइंट पर, एक्चुअली जो महिला सशक्तिकरण के लिए महिला को खुद आगे आना पड़ेगा। अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं अपने अपने मतलब मेरा पर्सनल फैमिली का, ये एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा हूं ताकि इससे आप लोग को बहुत सारा चीज सामने क्लियर होगा। मेरी धर्मपत्नी जी जमशेदपुर की ही है, वहीं से किसी कारण से डॉक्टर मतलब बायोलॉजी के स्टूडेंट थी, नहीं बन पाई, तो अभी वो शिक्षिका है। तो जो फैमिली ट्रेडिशन था कि हर काम वो हमको ही कहती थी, जब मेरा बेटा बड़ा हुआ तो ये मैं आपको अपना अनुभव इसीलिए शेयर कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारी हिडन थॉट्स हैं। तो मेरे बेटा ने अपने मतलब मेरी वाइफ को मतलब मोटिवेट करके इतना बोल्ड बना दिया कि अब वो सी कैन रूल इंडिया। तो मेरा मैसेज ये है कि महिलाओं में जो हमारे ज्वाइंट फैमिली में न्यूक्लियर फैमिली में जो पहले ही से जो एक भावना है कि सब काम हस्बैंड ही करेंगे चाहे हम जॉब में हो चाहे नहीं हो, ये अभी तक चली आ रही है। तो इसीलिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपको कहीं न कहीं बहुत बोल्ड महिला को होना पड़ता है। अब यहाँ एक मैं दूसरा एस्पेक्ट बोल रहा हूं, जो ज्वाइंट फैमिली में बहुत बोल्ड हैं। सर एक मिनट, फोन आ रहा है सर, एक मिनट फोन अटेंड कर लेता हूँ। हाँ कर लीजिए सर। हाँ अमिताभ जी, आप चंद्रेश्वर खान साहब नहीं आए क्या? हाँ सर, तो मेन मुद्दा ये है कि अभी भी जो महिलाओं में जो आत्मविश्वास है, स्वाभिमान है, जागरूकता है, वो अब मतलब 2000 के बाद लोगों में दिख रहा है कि हाँ दे आर बोल्ड, अब लोग आगे लीड ले रहे हैं, लगे कुछ काम कर रहे हैं। तो ये जो फैक्टर है वुमेन एम्पावरमेंट का, इसमें अब जब तक महिलाएं खुद आगे नहीं आएंगी तब तक हम भारत सरकार के बहुत सारे स्कीम हैं, बहुत सारा रिजर्वेशंस हैं, उसको अवेल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो महिलाओं में जो शाइनेस है, जो मतलब राजर बोलने थोड़ी कम है पुरुष से, ये क्योंकि बिहार का संदर्भ है सर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ग्रामीण इलाके में महिलाओं में उतनी बोल्डनेस नहीं है। उसके लिए सर अभी शिक्षा का प्रचार प्रसार होना बहुत ही आवश्यक है, नंबर वन। नंबर टू, जो महिलाएं बहुत बोल्ड हैं, अच्छी हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो उन महिलाओं के भी लोगों जो समाज में जो हमारा ग्रामीण समाज है कहीं कहीं उनको लेग पुलिंग भी करता है, ये बहुत ये है, ये बहुत ये है, ये बहुत ये है। तो ये सब बहुत सारी जो सोशल टैबूज हैं, ये सब महिलाओं के, आई रिपीट, रूरल एरिया के महिलाओं के ग्रोथ को जो रोक रहा था वो अब धीरे 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 अब दूर हो रहा है। जहां तक एम्प्लॉयमेंट की बात है सर, तो अभी बहुत सारी महिलाएं जो आके रूरल एरिया से अर्बन एरिया में इस्टैब्लिश हो गई हैं और उनको बहुत सारी जानकारियां मिल रही हैं जॉब के बारे में, अपने अधिकार के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। तो वही पढ़े लिखे फैमिली में ही जो रूरल एरिया से शहर में आई है वही बहुत आगे बढ़ रही है।
अभी भी हमारे रूरल एरिया में सर जो भी महिलाएं हैं वो बोल्ड उतनी नहीं है। ये जो मेरा बहुत कीन ऑब्जर्वेशन है सर, मतलब मैं जो बहुत गहराई से ऑब्जर्व किया हूं तब बोल रहा हूं। तो ये जो हमारी कमी है सर, उसको पहले हमें वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करना होगा, नंबर वन। नंबर टू, और हमारे रूरल एरिया में लोगों के पास धन दौलत सुख समृद्धि सब कुछ है, लेकिन महिलाओं के प्रति जो होनी चाहिए थोड़ी सी ओपननेस, ये पुरुष लोग अपने फैमिली में महिलाओं को खुलने नहीं देते हैं ताकि वो आगे जाके कुछ काम करे, कोई नौकरी करे, कोई ये हो, जो रूरल एरिया वाले हैं। तो ये सब चीजें हैं जो अपने बिहार में सर बहुत कुछ हमें जो देखने को मिला। और अब मैं आ रहा हूं, एक हमारी पॉलिटिशियन थी, नाम लेने की जरूरत नहीं, आप सब जानते होंगे, पटना में ही से कृष्णानगर में रहती थी, वो उनके पापा वकील थे, नाम केवल नहीं ले रहा हूं लेकिन उनकी तारीफ कर रहा हूं। वो पॉलिटिक्स में आई और पॉलिटिक्स में ऐसा आई कि मतलब बहुत अच्छा राइट थी, क्योंकि उनकी पहले से ही तमन्ना थी मैं राजनीति में जाऊंगी, और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और फिर भी क्योंकि ये फोरम है, मैं हर तरह की बात बोल रहा हूं, उनकी बोल्डनेस, मैं उस महिला को सैल्यूट करता हूं, उनकी बोल्डनेस के पीछे लोग बहुत झूठी झूठी बातें भी करके उनको बदनाम करने लगे, जो जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। और ये जो हमारे अपने बिहार प्रदेश में जो महिलाएं हैं अभी जो हैं वर्तमान के हालात में, बहुत जो अच्छी अच्छी महिलाएं हैं जो सुपर इंटेलेक्चुअल हैं, वो सर बहुत बाहर निकल गई, मतलब रूरल एरिया से तो निकल नहीं, देश से भी बाहर चली गई है, नंबर वन। नंबर टू, अब जहां कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो सिविल सर्विसेज में आई हैं, वो भी सिविल सर्विस में आके उसके बाद उन्होंने अपने नेक्स्ट जनरेशन को सिविल सर्विस में लाने में वो चूक रही है। उसकी कारण जो हो, मतलब मैं उस पर अधिक टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। और ऐसे बहुत कम महिलाएं हैं जो सिविल सर्विसेज में आई, जो जॉब में आई, जो डॉक्टर बनी, जो इंजीनियर बनी, वो उसको अपने बेटी को फिर उसी लाइन में लाई है, इसकी संख्या थोड़ी कम है। तो ये जो हमारा जो सोशल सिस्टम है सर, आई अगेन रिपीट, आवर लिमिटेशन इज बिहार। तो बिहार के अंदर जो हमारा सोशल लिमिटेशंस है, उसमें हम लोग अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत पिछड़े, मतलब बहुत पीछे हैं सर। मतलब मैं तुलना कर रहा हूं, मैं कोई निगेटिव बात नहीं बोल रहा हूं, मैं जो मैं देख रहा हूं वो मैं बोल रहा हूं सर, क्योंकि जो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिहार की प्रोफेशनल महिला हमको बहुत रेयर मिली है सर, मतलब रादर बहुत, मतलब उसको हम गिन सकते हैं उंगलियों पर, इतनी कम है। तो ये चीजें हैं। अब और अभी मैं और किसी वक्ता को मौका दूंगा, ये मेरा सर भूमिका था जो एक राजर, मैंने एक दृश्य दिखा दिया जो बिहार की महिलाएं हैं उनका, जो बहुत एक रूप में दिखाया हूं सर। अभी मैं अपने लर्नेड और स्पीकर को मौका देता हूं, तब मैं फिर बोलूंगा सर। मैं अभी फिलहाल रुक रहा हूं, और लोग बोलिए, क्योंकि बिहार के महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, मतलब हम, मतलब सोसाइटी ऑफ बिहार इन द रूरल एरिया। फिलहाल इतना ही बोलते रुक रहा हूँ, फिर बहुत सारे बातें हैं, आई विल शेयर। थैंक यू सर। हेलो, थैंक यू जाजी। उमेश जी, आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। डॉक्टर उमेश और डॉक्टर और उमेश जी और प्रसाद साहब से और वर्मा साहब से,
प्रश्न पूछूंगा कि अभी जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है जहाँ पे अर्बन एरिया में एम्प्लॉयमेंट का गुंजाइश नहीं है और रूरल एरिया में औरतें इंगेज हो सकती हैं, रूरल एरिया में खेती बाड़ी और ये सब चीज घर बार देखना और इन सब चीजों में औरत दक्ष भी है, तो अभी प्रेजेंट सिस्टम में उनका जो चाई नेचर है, जो नागेश झा जी ने बताया था, चाई नेचर को तोड़ के उनको पढ़ाना और पढ़ा करके किसी अच्छे योग्य जगह में उनको सुटेबल जगह में फिट करना, फिट करके फिर उनको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के बाद नॉलेज और स्किल उनमें डालना जिससे उनका एटीट्यूड हाई हो जाए, तो ये करना क्या ये तो खाली बिहार की बात नहीं है, हर जगह यूपी वगैरह सब जगह ये प्रॉब्लम आएगी, तो क्या ये कैसे करना संभव होगा और अभी के प्रेजेंट बिहारी एटमॉस्फेयर में क्या ये करना संभव है, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं और कौन आगे बढ़ेगा, किस कौन लेके आगे बढ़ेगा, जहाँ पे सब अपनी गड्डी के पीछे पड़े हुए हैं, जहाँ पर छोटी छोटी बातों पे लगे हुए हैं, वहां पे क्या ये रूरल ह्यूमन का डेवलपमेंट संभव है या संभव नहीं है, या इनका विकास वही जैसी है वैसी ही रह जाएंगे। उमेश जोशी जी डॉक्टर उमेश और बाकी लोग सब कुछ बताएं। नहीं नहीं सर, तो मैं इसका जवाब दे दे रहा हूँ, एक आस्पेक्ट विद परमिशन फ्रॉम उमेश जी, एक आस्पेक्ट मैं बोल दे रहा हूँ, ये जो हमारे ज्वाइंट फैमिली की सच्ची बात मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अब हम लोग उस लेवल पे आ गए हैं कि अब छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। जब सर शादी होती है तो जो हमारे, मैं फिर बोल रहा हूँ अपने ज्वाइंट फैमिली के बात बोल रहा हूँ, ये दिस मे बी एप्लीकेबल एवरीवेयर एनीवेयर और नोवेयर, तो उसमें जो लड़का पक्ष जो होता है वो चाहता है कि उसकी धर्म पत्नी अधिक पढ़ी लिखी नहीं हो, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है सर, वो लड़का ही डरता है कि यदि अधिक पढ़ी लिखी होगी तो हमारा कहना नहीं मानेगी, हमारा बात नहीं मानेगी, तो ये सर एक पहलू मैं बोल रहा हूँ, नॉट दैट कि ये सब पर लागू होता है, तो ये भी एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जो लड़का पक्ष है, अगर हम लोग जो हैं, जो पुरुष पक्ष हैं, पुरुष पक्ष को ही बोल्ड जब होंगे तब ही अपने धर्म पत्नी को, अपनी सेकंड बेटर हाफ को गाइड करेंगे, आगे करेंगे, और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपनी वाइफ को प्रमोट करते हैं, आगे करते हैं, और हर बंदा चाहता है, मैं फिर बात कर रहा हूँ बिहार की, अभी मैं बिहार से बाहर नहीं जा रहा हूँ, कि हमारी वाइफ हमारे सामने मतलब नीचे ही रहे, ऊपर नहीं हो, तो ऐसे भी एक एग्जाम्पल मिले जो वाइफ हस्बैंड दोनों डॉक्टर है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं साफ देख रहा हूँ, जो वाइफ का प्रैक्टिस अधिक चल रहा है, हस्बैंड का प्रैक्टिस चलता ही नहीं है, तो ऐसा भी आया है, लेकिन वाइफ मैच्योर, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैच्योरिटी, वाइफ इतनी मैच्योर है कि उसी को समझते हुए वो अपना खूब कमा रही है, हस्बैंड अपना ठीक है, वाइफ के साथ बैठते हैं, अपना कभी कभी करते हैं, तो ये सब चीजें जो विरोधाभास जो हमारे समाज में, हमारे फैमिली में अभी जो देखने को मिल रहा है, ये भी सर आपके सवाल का एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है, हस्बैंड अपने वाइफ के प्रति समर्पित होता है, उसका वही जो तीन चीजें होती है, नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड, ये तीनों का जो हस्बैंड भी वाइफ को प्रमोट करते हैं तो वो भी एक अच्छा होता है, तो अल्टीमेटली मेरा यहाँ का कंक्लूजन यही है, पुरुष पक्ष को आगे आना चाहिए एज ए हस्बैंड, एज ए फादर, एज ए ब्रदर, एज ए ब्रदर इन लॉ, कि अपने फैमिली के लेडीज पक्ष को प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं, ताकि
इनका एम्पावरमेंट हो सके, जो कि मैं फिर दोहरा रहा हूँ बिहार में की बात कर रहा हूँ। फिलहाल अपना रोकता हूँ और सर उम्मीद भी आप बोल सकते हैं सर। थैंक यू सर। बहुत अच्छे अमिताभ जी, जैसा आपने कहा मैं थोड़ा उसके उसकी बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका एक मशहूर वाक्य है, वो ये है कि लोगों को जगाने के लिए महिलाओं का जागृत होना बहुत आवश्यक है। एक बार जब वो अपना कदम उठा लेती हैं, परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास की ओर उन्मुख होता है। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाले उन सभी राक्षसी सोच को किल करना यानी मारना जरूरी है, जो दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, बलात्कार, वेश्यावृत्ति, मानव तस्करी और ऐसे ही अन्य विषय हैं जो कि महिलाओं के विकास के लिए बिल्कुल ही उनके उनको दबा रहे हैं या उनके विपरीत हैं। तो ये जब तक नहीं रुकेंगे तब तक महिलाएं कैसे आगे बढ़ेंगी। दूसरा ये बात उठता है, जैसा कि आपने अभी प्रश्न पूछा है, लैंगिक भेदभाव राष्ट्र में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अंतर ले आ रहा है, जो हमारे देश को पीछे की ओर ढकेल रहा है। भारत के संविधान में उल्लिखित समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना है और सबसे प्रभावशाली उपाय जो अवेलेबल हो सकते हैं उनको लेने के लिए कहा गया है। इस प्रकार की जब हम उपाय लेंगे तभी ये बीमारियां जो महिलाओं के विकास को रोके हुए हैं वो उनका विकास हो पाएगा। लैंगिक समानता को प्राथमिकता देने से पूर्व भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। भारत सशक्तिकरण के उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर एक परिवार में बचपन से प्रचारित व प्रसारित करना चाहिए। देखिए कि भारत की जो जनसंख्या है 2011 में, उसमें महिलाओं का जो सेक्स रेशियो था पुरुषों के मुकाबले कम था, लेकिन सरकार के द्वारा प्रयास किए गए और ये लगभग अब बराबर आ चुका है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ की महिलाओं का संख्या काफी कम है, लेकिन अधिकांश जगह ये बराबर है या उससे अधिक आ जा रही है। ये सरकार के द्वारा लिए गए ही उपाय है जिसके कारण ये संभव हो सका। और ये भी जरूरी है कि महिलाएं शारीरिक रूप से मजबूत हों, मानसिक रूप से मजबूत हों और सामाजिक रूप से भी मजबूत हों। लैंगिक समानता को प्राथमिकता देने से पहले भारत में महिला सशक्तिकरण को आदिकाल में काफी बढ़ावा दिया था। आपने देखा कि हमारे यहाँ ऐसी विदुषी महिलाएं थीं जो कि पुरुषों के साथ बराबर स्तर पर बैठ के उनसे साथ साथ करती थीं। और अगर आप देखें तो गुलाम वंश में भी, एक लंबे पुराने समय की बात मैं बता रहा हूँ, इल्तुतमिश की लड़की थी रजिया सुल्ताना, उसके भाई को गद्दी पे बैठाया गया, लेकिन वो उतना राजा के लायक कुशल नहीं था, तो रजिया सुल्ताना गद्दी पे बैठी और उसने एक ऐसा शासन उस जमाने में दिया, ये 1200 के आसपास की बात है, जबकि महिलाएं उतनी सशक्त नहीं थी। तो ऐसी बात नहीं है कि महिलाओं के अंदर बराबर की शक्ति है, बल्कि कुछ क्षेत्रों में तो महिलाएं की भावनात्मक बुद्धि बहुत ज्यादा है पुरुषों के मुकाबले। महिला सशक्तिकरण के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि परिवार के अंदर ही हमें ये भावनाएं डालनी चाहिए कि पुरुष और महिलाएं दोनों बराबर हैं। खासतौर पे कहा जाता है महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन है। आपने देखा होगा कि घर में माँ जो है बेटियों को खाने के लिए या दूध के लिए या मलाई के लिए या मक्खन के लिए या अच्छे खाने को बाद में देती हैं, बच्चे लड़कों को पहले दे देती हैं, जो कि एक गलत चीज है। इसको जो है हमें इस चीज को दूर करना है। और आज भी कई पिछड़े क्षेत्रों में माता पिता की अशिक्षा, असुरक्षा और गरीबी की वजह से महिलाओं का कम रूप में ही विवाह कर दिया जाता है। महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए महिलाओं के खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार,
लैंगिक भेदभाव, सामाजिक अलगाव और हिंसा आदि को रोकने के लिए सरकार जो तो प्रयत्न कर ही रही है, ऐसा नहीं है नहीं कर रही है, ये सरकार के लिए बाध्यता है, लेकिन इसके लिए जन जागरूकता बहुत आवश्यक है। और विशेष तौर पे आप देखिए कि महिलाएं थोड़ी सी फ्रंट में आना आज भी कम पसंद करती हैं। आज ही के उदाहरण को देख लें कि अमिताभ जी 2 साल के अंदर, मैंने पहली बार देखा, मैं भी यहाँ थोड़ा लेट हो गया था, तो मैं सोचा मैं जल्दी से जल्दी घर पहुंचूं और वेबिनार को ज्वाइन करूं, लेकिन आपने देखा कि कभी कभी महिलाएं जो है पहल करने में शर्माती हैं। इस चीज को भी हमें रोकना होगा। अगर हम इन चीजों पे ध्यान देंगे सरकार के द्वारा, मैं समझता हूँ कि सब आज से करीब 20 साल पहले एक योजना चलाई गई थी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए थी, उस योजना का नाम था ड्वाकरा, डेवलपमेंट ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरियाज। उसमें ये था कि हर एक राज्य में ये योजना कंपलसरी कर दी गई थी, और इस योजना के चलने के उपरांत इसके परिणाम भी बहुत अच्छे आए। इसमें क्या होता था, इस ड्वाकरा योजना में विशेष तौर पे बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में उस समय जो केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास ने मूल्यांकन किया, उसमें महिलाओं की विकास, महिलाओं के बिहार में महिलाओं के स्तर पे ये योजना बहुत अच्छी चली। तो प्रयास करने चाहिए। अब देखिए ये योजना बहुत अच्छी चली, लेकिन कुछ राज्यों में इस योजनाओं में उतना एक्सपेक्टेशन जो था, हमारे ऑब्जेक्टिव हम अचीव करेंगे वो नहीं आ पाया, तो इसकी वजह से इस ड्वाकरा योजना को सरकार ने रोक दिया। अब उस रोकने से क्या हुआ कि जहां भी योजना अच्छी भी चल रही थी वहां भी ये योजना बंद कर दी गई। तो आज हमें ये देखना चाहिए कि महिलाएं जहाँ कम पिछड़ रही, जहाँ कम है विकास में या पिछड़ रही है, वहां पे उनके कारण क्या है। आप तो अमिताभ जी भारत सरकार के बहुत ही माने जाने वाले प्रशिक्षक हैं, और DNA और एथिक्स के आप मास्टर ट्रेनर हैं, जो मैं समझता हूँ कि बिहार में पुरुष ही नहीं आगे आ रहे हैं ट्रेनिंग के क्षेत्र में। आप देखिए कि आपके जाने के बाद बिहार प्रशासनिक अकादमी में DOPT के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जाते थे, इवन जो प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं के स्तर पर भी चलाए जाते थे, वो सब बंद हो गए। तो हमें ये भी देखना होगा कि ये क्यों बंद हो गए कार्यक्रम। इसी प्रकार के महिलाओं के विकास के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, जहां वो पिछड़ रही थी उनको बंद कर देना, जैसे ड्वाकरा योजना को बंद कर दिया गया, तो इसको बंद ना करके हमें देखना चाहिए था क्या कारण क्या रहे जिसकी वजह से इस कार्यक्रम को आगे ले जाने में दिक्कत आ रही थी। अगर आप इसकी योजना के बारे में बात करें तो इसमें महिलाओं के समूह बनाए जाते थे, और एक समूह में 10 से लेकर 16 महिलाएं उस समूह में रखी जाती थी, और उनको 2 प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते थे। एक वो प्रशिक्षण था जिससे कि वो मोटिवेटेड रहे, जिससे कि उनका मॉरल काफी ऊंचा रहे, और जिससे कि वो जो कार्य कर रही हैं ग्रुप में उसकी उनको नॉलेज भी दी जाए, उनको स्किल भी दी जाए। और दूसरा जो प्रशिक्षण था वो उनके कार्य से ही संबंधित था कि जो कार्य वो कर रही हैं, क्या उनको जो उस समय एक रिवॉल्विंग फंड होता था 20,000 का, जो कि बैंक द्वारा दिया जाता था, और इस रिवॉल्विंग फंड को महिलाएं अपने ग्रुप में इस प्रकार से इस्तेमाल करती थी कि ये रिवॉल्विंग फंड हमेशा बनाए रहता था। तो इस रिवॉल्विंग फंड में कुछ जगह बैंकों से उनको लेन देन में दिक्कत आई, तो इसकी वजह से ये योजना बंद हुई। दूसरे जो वो उत्पाद बनाती थी, जैसे बिस्किट बना रही हैं, जैसे नमकीन बना रही हैं, जैसे कढ़ाई की कोई वस्तु उन्होंने बनाई, तो उसके उसका जो मार्केटिंग थी, कुछ राज्यों में अच्छी पहल की गई, उनके प्रोडक्ट्स को विज्ञापन दिया गया, उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी मेंटेन की गई, वो प्रोडक्ट्स उनके बिके, उनको लाभ भी मिला और उनके ग्रुप भी चले। लेकिन कुछ राज्यों में उनके द्वारा प्रोडक्ट्स को उन्हीं राज्यों के ग्राम्य विकास विभाग में लिए ही नहीं गए, यानी कि अगर उन्होंने बिस्कुट और नमकीन बनाए तो ग्राम्य विकास विभाग को ये नियम, ये डायरेक्शन दी गई थी कि उनके प्रोडक्ट्स को बिकवाने में मदद करें, उनके प्रोडक्ट्स को परचेज करें। उन्होंने कहा कि इसकी क्वालिटी
कम है और उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग नहीं हो पाई, लिहाजा वो ग्रुप बंद हो गए। तो मेरा ये कहना होगा कि सरकार तो कुछ करती है, लेकिन वो कुछ ये जो प्रयास होते हैं कुछ समय के बाद एक स्तर से आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उसके लिए समाज की जागरूकता जरूरी है, उसके लिए परिवार की जागरूकता जरूरी है। जब तक कि हम इस ओर ध्यान नहीं देंगे, हमारे घर की महिलाएं, हमारी समाज की महिलाएं आगे नहीं जा सकेंगी। आज आप देखिए कि सरकारी जो नौकरियां हैं वो रोजगार की दृष्टि से 1% है, और उसमें महिलाएं कितनी है, नगण्य है। अगर आप देख लें कि अब आप अपने अमिताभ जी को, मैं यहाँ पे इनका ध्यान देना चाहूंगा, इनकी बेटी जो है बैंक में एक नेशनलाइज बैंक में एक मैनेजर के पद पे कार्यरत है, और हो सकता है उसका आगे भी प्रमोशन हो गया हो। तो मैं इनके परिवार को पुराने समय से जानता हूँ, मैंने ये देखा है कि इनका बेटा जो CA है विदेश में है, और इनकी बेटी जो इस समय नेशनलाइज बैंक में एक मैनेजर के पद पे कार्यरत है, इन्होंने प्रारंभ से ही दोनों बच्चों को पब्लिक स्कूल में भेजा। और ये भले ही हम पब्लिक स्कूल को क्रिटिसाइज करें सरकारी स्कूलों के मुकाबले, लेकिन ये हमें मानना पड़ेगा कि वहाँ पे अगर वो फीस लेते हैं तो वो ईमानदारी से वहाँ के टीचर्स अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। इन्होंने चूंकि बच्चे, बेटे और बच्ची दोनों पे बराबर ध्यान दिया और दोनों को अच्छी शिक्षा दिलाई, दोनों ही कामयाब हो गए। तो अगर ये सोचते कि ये बेटी है ये दूसरे के घर में जाएगी, हम इसकी एजुकेशन पे क्यों ध्यान दें, तो संभवतः वो उतना आगे नहीं बढ़ पाती। तो ये जो अप्रोच है जो अमिताभ जी ने ली, इसी प्रकार की अप्रोच को हमें आगे बढ़ाना होगा, तभी महिलाओं का विकास होगा। अब आप देखिए, मैं अखौरी माहेश्वर प्रसाद साहब के बारे में बहुत तो ज्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि सर भारत सरकार के बड़े प्रशासनिक अधिकारी रहे, और आपने बिहार में रह के उस एग्जाम को क्वालिफाई किया, और लास्ट आप संभवतः महाराष्ट्र बॉम्बे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पे भी रहे। तो आपने अपने बेटे और अपनी बेटी को मैं कोई फर्क नहीं किया, दोनों को अच्छी शिक्षा दी। आज आप देखिए कि आपके बेटे और बेटियां, बेटी तो आपकी जो कभी कभी इस वेबिनार में आती हैं, वो भी कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलती हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बात करती हैं, एक अच्छे पद पे USA के अंदर कार्यरत हैं। तो इसका क्रेडिट ही जाता है हमारी सोच। अगर हमारी बेटे और बेटियों में फर्क की सोच नहीं होगी तो हमारे बेटे और बेटी दोनों ही आगे तरक्की करेंगे और महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। तो अमिताभ जी, आई होप कि आपको मेरे, आपने जो प्रश्न पूछा था उस पे आपको कुछ उत्तर मिला होगा। ओवर टू अमिताभ प्रसाद जी। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा और बहुत विस्तार में और एग्जांपल के साथ आपने सब बताया। डॉक्टर उमेश, आप क्या बोलना चाहते हैं इस संबंध में, अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में हम लोग कैसे महिलाओं को आगे बढ़ाएं? उमेश जोशी साहब ने तो बहुत सारी चीजें बताई, नागेश झा जी ने भी बहुत सारी चीजें बताई, डॉक्टर उमेश आप कुछ बताएं कि अभी के प्रेजेंट ये पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में ग्रामीण महिलाओं को किस तरह से घर से निकाल कर और एजुकेटेड करके और उनको एम्प्लॉयमेंट में ला के इकोनॉमिकली, फिजिकली, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। डॉक्टर उमेश जी, जी जी, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी चलें। जो पिक्चराइज किया गया बिहार में महिलाओं को, मैंने रूरल एरियाज में पर्टिकुलरली, उसको दो सेक्टर्स में हम बांट के चलते हैं। क्योंकि बिहार है इसलिए यहाँ पे कास्ट लाइन पे भी हम लोगों को सोचना ही पड़ता है, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। अपर कास्ट के महिलाओं के लिए जो चित्रण कराया नागेश जी ने, वहाँ तक तो वो सही है, लेकिन अगर लोअर कास्ट की तरफ अगर हम लोग बढ़ें, जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है इसको हम लोग कहते हैं, वहाँ पे सिनारियो थोड़ा सा डिफरेंट था। वहाँ पर जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, या कहिए कि खेतों में जाके काम करना या बाकी पशुपालन वगैरह में भी, उन लोगों की भागीदारी औरतों की थी। साइनेस वगैरह जो भी था उनके पास, ठीक है, पैसा उनके पास जो भी आता था वो उनके हस्बैंड ही लिया करते थे,
जो अक्सर शराब वगैरह में उड़ा भी देते थे, लेकिन एक बढ़िया स्रोत सशक्तिकरण के तरफ महिलाओं का योगदान जो था वो पहले भी था, आज भी है। अब आए हम लोग वर्तमान समय में, जो आपका क्वेश्चन था उसके ऊपर हम आ रहे हैं। अभी मुश्किल से हमको लग रहा है कि 10 या 12 साल पहले चीफ सेक्रेटरी के तरफ से एक आया कि हम लोग रूरल एम्पावरमेंट के लिए या लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। तो उस समय काउंसिल हम लोगों का हुआ करता था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काउंसिल हुआ करता था, उसका मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था। यहाँ से एक प्रपोजल हम लोगों ने दिया कि हम लोग कम से कम फीस तो वेव कर ही सकते हैं, तो ऑल प्रोफेशनल कॉलेजेस में लड़कियों के लिए फीस वेव कर दिया गया। तो राइट फ्रॉम आईटीआई से लेके आपको पॉलिटेक्निक से लेके इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, बीएड, इन सभी में जितने भी गवर्नमेंट प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं इन सबों में लड़कियों का फीस को वेव कर दिया गया। इसका इम्पैक्ट केवल एक हम देखा, हमको दिखाई दिया, जो पहले इसके पहले जो सिनेरियो था उसमें 3-4% लड़कियों का इंक्लूजन बढ़ा, शायद इस कारण से कि पहले लोग गार्जियंस उतना नहीं सोच पा रहे थे लड़कियों को बढ़ाने के लिए, लेकिन अब फीस चुकी नहीं लगेगा, बाकी खर्च ही केवल उनको करना पड़ेगा, तो ये एक मोटिवेशन के रूप में काम में आया और लगभग 3% के आसपास लड़कियों का एजुकेशन के तरफ या स्किल डेवलपमेंट के तरफ उनका रेशियो बढ़ा। तो ये कुछ कुछ मेजर्स इस ढंग के अगर हम लोग लें, और बाकी तो हमारे दोनों जो प्रीवियस जो दो तीन वक्ता थे हमारे वो काफी कुछ बोल गए हैं, तो उन सभी चीजों को फिर मैं दोहराऊंगा नहीं। तो कुछ टिप्स हम लोगों को ऐसे ही इम्पोर्टेंट टिप्स को केवल इंक्लूड अगर हम लोग कर लें तो ये निश्चित रूप से है कि एक बढ़िया हम लोग इसमें उनको उनका सशक्तिकरण कर सकते हैं। और जहां तक है कि ब्रेन वगैरह का, तो हमको लगता है कि औरतें ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाती हैं, इसलिए उनके पास शायद ज़्यादा दिमाग भी है और दे आर वेरी गुड मैनेजर्स एटलीस्ट। तो जितना जो मेल डोमिनेंस सोसाइटी है, जितना विहंगम में चलता है, उससे ज़्यादा अगर फीमेल किसी भी काम को अगर देखती है, पकड़ती है, तो वो कुछ ज़्यादा ही इन ऑर्डर लेके चलती है। तो उनके उस कैपेबिलिटी को, उनके इस कैपेसिटी को अगर हम लोग इन्हेंस करके अगर देखें तो समाज का जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। और ज़रूरत है उसको थोड़ा और प्रश्रय देने का। न्यूअर जो ट्रेंड आया है वो ज़्यादातर तो अभी ये दिख रहा है कि इवन मैरिजेस वगैरह में भी सामान्यतः लोग भी, जैसा झा जी कह रहे थे, नागेश झा जी कह रहे थे, वो सिनारियो थोड़ा सा बदला है। नाउ दे ऑल्सो सी कि उनकी औरतें भी उनके पोटेंशियल एक अर्नर के रूप में अगर आ जाएं तो उनका घर शायद कुछ और बढ़िया चल पाए। जिसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल जो देखा हम लोगों ने कि जो 30% जो ये महिलाओं के लिए जो सीट्स रिजर्व कर दिए गए इसमें, क्या कहते हैं, पंचायत इलेक्शंस वगैरह में जो रिजर्व कर दिए गए, ठीक है बैकग्राउंड में उनके हस्बैंड आ रहे हैं, लेकिन हस्बैंड के साथ भी उनका भी सशक्तिकरण तो हो रहा है। और जब बहुत ज़्यादा दूसरे तरफ बढ़ने लग जाते हैं तो वो भी अपना आके निकल के आके उनको कंट्रोल करने का कोशिश करती है। तो सिनारियो बदल रहा है और ये और भी फास्ट हमको लग रहा है कि बढ़ेगा, जैसे जैसे उनका सशक्तिकरण और बढ़ेगा और उनके भीतर में इंड्यूस कर पाएंगे अगर हम लोग उनको, उनके भीतर में फेथ। तो नट सेल में तो हमको लग रहा है कितना ही बोले अभी हम, क्योंकि अब समय भी हमको लग रहा है कि 8:20 हो रहा है, अब हम लोग कंक्लूड करने की तरफ भी बढ़ेंगे। मेरा अपना ब्रीफ में इतना ही था। अमिताभ जी, आप बहुत बढ़िया बताया आपने, और अभी प्रसाद साहब भी नहीं है, प्रसाद साहब भी पता नहीं जैसे उसमें व्यस्त हैं। नागेश झा जी कुछ और कहना चाहेंगे? हाँ जरूर सर। हाँ अब मैं बहुत कुछ बोल रहा हूँ, एक मिनट थोड़ा सा हम एक्लिमेटाइज कर लें आप पहले थोड़ा सा अपने विचारों को, वन बाय वन विद एग्जांपल हम प्रूफ करेंगे सर आपको।
जस्ट एक मिनट समय ले रहा हूँ सर, बस खाली अपने को आर्टिकुलेट कर रहा हूँ तब मैं बोलूंगा, इसीलिए बस और कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वहाँ, आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, मैंने इसीलिए कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं यूज किया, जिसको हम लोग बोलते हैं घरेलू हिंसा, ये सब सच है, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत संस्कार निगेटिव पुरुष के लिए भी और महिलाओं के लिए भी नहीं बोलता हूँ। अब मैं जो कह रहा हूँ, ये जो आप बोले बहुत अच्छी बात बोले सारी चीजें, अभी भी हमारा जो ओनली जो पॉजिटिव माइंडेड जो प्रोग्रेसिव माइंडेड है, तो अभी जो सर बोले नहीं अपर कास्ट ये सब, तो सर मैं उसको अपर कास्ट को सर अपर क्लास बुला देता हूँ, मतलब अपर मतलब अपर मिडिल क्लास, जहाँ पैसे की कमी नहीं है घर में, नंबर वन। नंबर टू सर, सर 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 आई वंस अगेन से इट इज कास्ट, इट इज नॉट क्लास, और आज भी बिहार डिवाइडेड है कास्ट में सर। हाँ सर, नहीं आप, मैं आपसे सर 100% सहमत हूँ सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ ना सर, उसका कास्ट के अलावा और एक मनी फैक्टर भी है सर, जो आई मीन वेल ऑफ क्लास है, चाहे वो कास्ट किसी भी कास्ट के हो, उन लोगों में थोड़ा शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट जो अमिताभ जी बोले हमको अच्छा लगा ये, और जो नॉलेज शेयरिंग है सर, इसकी थोड़ी सी अभी भी गवर्नमेंट ने तो बहुत कुछ किया है सर, मैं झारखंड की तो वहां से देख रहा हूँ, यदि आप गवर्नमेंट के, मैं झारखंड की बात फिलहाल कर रहा हूँ, कि जो भी बचपन से पैदा होते से लेके आगे जाने तक हर स्टेज पर झारखंड सरकार मदद कर रही है, लेकिन ये चीज बिहार में थोड़ा सा कम है सर, केवल झारखंड सरकार के सारे स्कीम को कॉपी कर ले, तो आपने बहुत अच्छा कहा कास्ट, तो सर अब कोई कास्ट में फर्क नहीं रह जाएगा, मैं मत क्योंकि बहुत सारी स्कीमें हैं, मतलब यहाँ जो समय का अभाव है, मतलब जैसे महिला गर्भवती हुई तो गवर्नमेंट का एड मिल रहा है, बच्चा हुआ तब एड मिल रहा है, अवार्ड मिल रहा है, बच्चे की पढ़ाई के लिए, मतलब आई रिपीट गर्ल चाइल्ड के लिए, फिर उसके लिए भी आपको फैसिलिटी मिल रही है, फिर उसको पढ़ाई के लिए फैसिलिटी मिल रही है, फिर उसको नौकरी के लिए फैसिलिटी मिल रही है, झारखंड में सिक्वेंशियल है सर, आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, जिसको जानकारी है वो उसका फायदा उठा रहे हैं, जिसको जानकारी नहीं है वो फायदा नहीं उठा रहे, तो वही बिहार में मैं कह रहा था, बिहार में अपने समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा, और जो सर जो बोले बहुत अच्छा लगा हमको, अपर कास्ट तो यहाँ सर, यदि लोअर कास्ट में भी पैसे बहुत सारे भी स्कीम आ गई है सर, यदि लोग पैसा को सफिशियंट हो तो वहां भी महिलाओं का डेवलपमेंट संभव है, उसका रूट कॉज एनालिसिस सर आपका पैसा ही है सर, मतलब मैं इसको बहुत दूर बोल रहा हूँ, इसलिए जो लोअर कास्ट सुखी संपन्न है, पैसे से उसको लबालब है, उसको सर डेवलपमेंट में महिलाओं को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन वही वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम मैं आपसे देख रहा हूँ सर, तो ऐसा सब्जेक्ट है सर, मैं जो अपना पर्सनल अनुभव शेयर कर रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छा बोले सर, तो फिलहाल मैं इतना ही इशारे विशारे में सारी बातें बता दिया सर, थैंक यू सर। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अभी अभी ये भी आ गई हैं, सुमन जी आ गई हैं, और किसी एक्सीडेंट में फंस गई थी, तो अब जो थोड़ा सा समय बचा है उसमें हम लोग सुमन जी को भी सुन लें। हाँ अमिताभ जी, आप अखौरी माहेश्वरी प्रसाद साहब को भी कहना कि वो भी रहे सर, और समापन आज उन्हीं से। अखौरी माहेश्वर प्रसाद जी को मैंने फोन किया है, अभी जनार्दन जी को भी फोन किया, और अभी सुमन जी आ गई हैं, तो सुमन जी
सुमन जी आ गई हैं तो आप लोग जो है प्रसाद साहब को बोलिए आ जाएं। और नेक्स्ट भाषण जो है आप नागेश जी और डॉक्टर उमेश का संयुक्त रूप से रखवाइए, बिहार विकास है ना, बिहार में विकास जी। हेलो सुमन जी बोलिए, बहुत से लोग थे यहाँ। नमस्कार जी, नमस्कार सभी लोगों को प्रणाम है। और पहले मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं एक जाम में फंस गई थी, मुजफ्फरपुर से आ रही थी और फोन लग नहीं रहा था, इसीलिए मैं इस बार के लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। और अगले समय से बिल्कुल समय का ख्याल रखते हुए कहीं भी अस्थायी रूप से मैं रह जाऊंगी ताकि मीटिंग्स को अच्छे से कर पाऊं। थैंक यू। तो आज का जो विषय था सर वो यही था कि रूरल वीमेन का जो बिहार में स्थिति है और उनके जो सशक्तिकरण की जो बात है उसके ऊपर मुझे कुछ बातें रखनी थी, ऐसा कहा गया था। तो अभी तो सर थोड़ा सिचुएशन, जब से मैं काम कर रही थी कुछ 32-33 साल पहले से, उससे तो काफी चेंजेस हुआ है और काफी बदलाव आया है, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि अभी भी जो एक प्रयास पूरी तरीके से महिलाओं के होलिस्टिक अप्रोच में लेकर होना चाहिए वो अभी भी कहीं ना कहीं लैक हो रहा है, और हम लोगों को और हमारी नीतियों में भी कहीं ना कहीं उसका गैप है। हम उसे कैसे उस गैप को फुलफिल कर पाएंगे उस पर एक विस्तृत चर्चा करने की बहुत जरूरत है। मुझे आइडिया है कि आज इस कार्यक्रम में समय बहुत कम होगा, लेकिन फिर भी हम ये दो चार बातें कहना चाहते हैं कि अगर महिलाओं का विकास करना है तो हमें गांव की ओर जानी होगी, और गांव में खासकर जो हमारे स्टेट के जो भी स्टेट है उस स्टेट के अंदर आने वाले जितने जिले हैं उन जिलों में जो महिलाएं निवास कर रही हैं, जो महिलाएं हैं, एक तो वैसी ज्यादा महिलाओं का तादाद है जो महिलाएं अशिक्षित हैं और कम पढ़ी लिखी हैं, और शिक्षित तो उनका बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, उनका एक्सपोजर नहीं है, तो कष्ट में रहते हुए भी वो सिर्फ रोना उनको आता है पर वो आगे निकल पाए उसके लिए वो हाथ आगे नहीं बढ़ता है, जिस हाथ को पकड़ के या जिसके सहारे वो आगे बढ़ पाए। और बहुत सारे समय में ऐसा भी होता है कि ऐसी महिलाओं का जब कोई सहारा बनता है तो सहारा कम बनता है, उनके शोषक ज्यादा हो जाते हैं, ऐसा भी बहुत सारे केस है जिस केस को हम लोगों ने किया है, टेकल किया है। तो ये अनुभव के आधार पर मैं कह सकती हूँ हमारी जो नीतियां हैं, नीतियां ही कहीं ना कहीं ऐसी बनी हुई है कि उस नीतियों के अंदर जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों का पहुंच उन तक नहीं हो पाता है, या तो उनकी पहुंच उस कार्यक्रम तक नहीं हो पाती है, तो हम उसके बीच में एक कड़ी का काम करते हैं। और ऐसा करना चाहिए कि जो जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो पीड़िता है और जिनको जरूरत है सरकार के कार्यक्रमों की भी या व्यक्तिगत किसी के भी सहायता की जरूरत है, तो हम कैसे उसको उन तक हम पहुंच पाए और उनको अपने अपने साथ लेके आगे बढ़े। कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जैसे कि मान के चलिए वो महिलाएं जिनके पास अभी थोड़ी बहुत जो मैं चर्चा सुनी उस चर्चा में भी हमने देखा कि महिलाएं काम बहुत करती हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो चाहे वो लेबर का क्षेत्र हो, दोनों ही क्षेत्रों में उस तरह की उस तबके की महिलाएं बहुत काम करती हैं, परंतु वो काम के बदले में उन्हें जो मूल्य प्राप्त होना चाहिए या उसके बदले में जो मेहनताना प्राप्त होना चाहिए वो उनको नहीं हो पाता है। और कभी कभी ये भी देखा जा रहा है कि जब हम सरकार की योजनाओं की बात करते हैं, खासकर जब हम मनरेगा की बात करते हैं और उसके समानांतर जो भी कार्यक्रम हमारे यहाँ चल रहे हैं उस कार्यक्रम में जब हम देखते हैं तो उनकी भूमिका बहुत नगण्य हो जाती है, उनकी भूमिका को बिल्कुल ही कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया जाता है। जब हम मिट्टी काटने की बात करते हैं तो आज की तारीख में सभी जगह जेसीबी में काम आ गया, जेसीबी से काम होता है। कहीं भी अगर पर्यावरण की बात करें तो महिलाओं को रोजगार सबसे बाद में देने की बात होती है, तो उसमें भी
कुछ वैसी महिलाएं हैं जो या तो सिंगल वुमेन है या तो विकलांग है, तो इस तरह की महिलाओं की प्रायोरिटी बन नहीं पाती है और उसके वजह से हम वैसी महिलाओं को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में उनका जो एक शेयर क्रॉप की बात आती है, तो ऐसा भी है कि हम महिलाओं को शेयर क्रॉपिंग नहीं दिला पाते हैं। जो महिलाएं आज खेती कर रही हैं जिस मालिक के खेत में, उनको अगले साल नहीं मिलती। ये कोई लिखित एग्रीमेंट उनके साथ आज तक प्रचलन में नहीं आया, तो वो चाह के भी आगे बढ़ना चाहते हैं, मालूम होता है कि तो अगले साल हमारे से लेके किसी और को मिल जाए, तो वो मन से उसमें खेती नहीं कर पाती हैं। हमारे पास दो तीन ऐसे हैं जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और काफी ज्यादा अभी कलेक्टिव फार्मिंग के ऊपर भी काफी काम हम लोग कर रहे हैं और उस फार्मिंग में काफी महिलाएं जुड़ी हैं। और एक प्रयास हम लोगों ने किया है कि जो भी मालिक हैं उनके इर्द गिर्द में जो भी जमीनें हैं उस जमीन का एक एग्रीमेंट करके लगभग 3 साल का और 5 साल का, और तकरीबन अभी 100 महिलाएं ऐसे उनको एक साथ लेके एक मॉडल के रूप में हम लोग डेवलप कर रहे हैं जिसमें कि वो कलेक्टिव फार्मिंग कर रही है, वो बाजार तक पहुंच पा रही है और 100-200-400-500 रुपए प्रत्येक महिला को आमदनी हो जा रही है। तो वो एक बहुत ही खुशहाल नजर आ रही है और उनको लगता भी है कि अगर ऐसा कार्यक्रम बहुत लोगों के साथ किया जाए, सभी जगहों पर किया जाए, तो उसका फायदा मिलेगा। दूसरा है कि सरकार के भारत सरकार के कार्यक्रम है, एक स्फूर्ति कार्यक्रम है जो MSME के माध्यम से अभी पूरे भारत में लॉन्च किए गए हैं और उस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा वैसे तबके की महिलाओं को भी जोड़ा जा रहा है जो बिल्कुल ही गांव में रहते हैं और वहाँ का स्थानीय जो रिसोर्स है उसको डेवलप करने के लिए उनको जोड़ा जा रहा है, उनको प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। उसमें से जो एक बड़ा कार्यक्रम है हमारे उत्तर बिहार में मखाना को लेके, जनार्दन सर हैं अभी हम लोगों के साथ जुड़े हुए, वो जानते ही हैं हम लोग मछली के ऊपर काम करते हैं। तो तकरीबन जनार्दन सर छोड़ दिए अभी नहीं है। अच्छा नहीं, हम जस्ट बोले कि वो जानते भी हैं। तो अभी हम लोगों ने पिछले 30-32 सालों में तकरीबन 40,000 महिलाओं को उनके पैर पे खड़ा किया और उनको सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ जोड़ते हुए वो आज एक पूरे कोऑपरेटिव्स के रूप में काम कर रही हैं। दूसरा जो अभी हम लोगों ने शुरू किया वो है मखाना को लेके, नॉर्थ बिहार में मखाना सबसे ज्यादा होता है, तो अभी उनका 1,000 जो बेनिफिशरीज है उसमें लगभग 800 महिलाएं हैं, 800 महिलाओं को ट्रेनिंग करके और उनका एक बड़ा बनाकर उनकी कॉम्पिटिटिव बनाकर, और ये कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है, सरकार भी उसमें काफी सपोर्ट की है और हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि सरकार के जो सपोर्ट है और जो हम लोग हैं वो सभी मिलकर उन महिलाओं को मखाना के ऊपर जो उनका उनका खुद का प्रोडक्शन है और वो उसमें काम करती रही है इतने सालों से, पर कहीं ना कहीं बिचौलियों के वजह से ये काम उनसे छिन गया, ये प्रोडक्शन भी बहुत कम हो गया था, तो अभी हम लोगों ने उसको काफी बढ़ाया है, महिलाओं को उसमें खासकर शामिल किया है, खेत से लेके और पैकेजिंग तक और मार्केटिंग तक, वो एक बड़ा एक पिक्चर आने वाला है पूरे बिहार में किस तरीके से अगर हम महिलाओं को शामिल करते हैं कार्यक्रम के अंतर्गत और खासकर लाइवलीहुड्स को लेकर, तो हम उनको आत्मनिर्भर बना सकते हैं और किसी भी महिला के हाथ में जब पैसा आता है तो हमारा मानना है, व्यक्तिगत मानना है कि वो महिला अपने आप सशक्त होती है, उनके हाथ में निर्णय आता है, उनके हाथ बिल्कुल एकदम सही बोल रही है, बिल्कुल बिल्कुल वो ताकत आती है जिससे कि वो निर्णय ले सके कि वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना है, अगर कोई बीमार पड़ता है तो कोर्ट के पास जाए या डॉक्टर्स के पास जाए, तो ये सारी जो निर्णय है अपनी बेटियों को कितना पढ़ाएं, शादी कब करें, ये सारी चीजें देखने में मिलती हैं कि एक महिला जब आर्थिक रूप से सशक्त बनती है तब वो सामाजिक रूप से भी उसकी पहचान बनती है और उसमें भी उसको सशक्तिकरण आता है। तो मूल चीज जो है अगर हमसे व्यक्तिगत पूछा जाए या संस्थागत पूछा जाए
तो मैं यही कहूंगी कि किसी भी महिला के सशक्तिकरण की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले उसके हाथ में 2 रुपए कैसे आए, 3 वक्त की रोटी उसको कैसे मिले और एक सम्मानजनक जिंदगी को कैसे जिए, ये सबसे प्राथमिकता के आधार पर आनी चाहिए। ये अगर हो जाता है, बिल्कुल सही बोल रही है, एकदम सही बात, तो हम ये समझते कि हम जो बार बार बात कर रहे हैं हम गांव से लेके पूरे देश के अंदर में महिला सशक्तिकरण का, तो हम कहीं ना कहीं 80% अचीवमेंट इसमें हम पा जाते हैं। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं पर कभी कभी उनको ये रास्ता नहीं मिलता कि हम क्या करें। तो हम जैसे जो संगठन के लोग हैं, जो संस्था के लोग हैं, ऐसे लोग हम लोग उनके लिए एक सपोर्टिव पर्सन के रूप में सामने आते हैं, जहां पर कि सरकार के इतने सारे कार्यक्रम हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो गैप्स है कि उनको पता ही नहीं होता है कि हम किस तरीके से वहां तक रीच कर सकते हैं और कैसे उस प्रोग्राम का लाभ उठा सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि महिलाओं के लिए खासकर कि उनकी पहुंच वहां बनाए और उनको आत्मनिर्भर बनाने में, सशक्त बनाने में ज्यादा से ज्यादा मदद करें। आज चूंकि मदर्स डे है तो मदर्स डे पर तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हर माँ, हर वो माँ जो अपने बच्चे के लिए जीवित है, उस माँ को एक सम्मानजनक जिंदगी मिलने का पूरा अधिकार है। और हर वो बच्ची जब वो जन्म लेती है तो उसको जन्म गर्भ से लेकर और उसके उसके पूरे जीवन काल तक में उसको भी सम्मान पूर्वक जिंदगी जीने का पूरा हक कार भी है। तो हम सभी मिलकर उन्हें उतना सम्मान तो जरूर दें जिससे कि हम एक स्वस्थ और सशक्त और समर्थ समाज की जो कल्पना करते हैं वो तभी पूरा होगा जब हम महिलाओं को समर्थवान बनाएंगे। तो मुझे इतना कहना है, अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे काम महिलाओं के लिए करती रहती हूँ और उनके पूरे जीवन चक्र में जो कुछ भी घटना घटित होती है उसको दूर करने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आप सब में से कोई कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं बता सकती हूँ। नहीं, मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपके राधर मैं आपको साधुवाद देता हूँ और आपको सब सब नमन करता हूँ, क्योंकि नेत्रहाट ओल्ड बॉयज एसोसिएशन ग्लोबल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग समस्त भारत में महिलाओं के लिए मुफ्त, पहले तो मैंने मुफ्त में मशीन बांटी है, सैनिटरी पैड नैपकिन, भारत सरकार से अलग मैं कर रहा हूँ, ये संस्था मुफ्त में सैनिटरी पैड नैपकिन वाला वेंडिंग मशीन इंस्टॉल कर रही है इन सैनिटर। तो मैं आपसे पर्सनली इसके लिए बात करूंगा और मैं आपको पुनः सच सच नमन करता हूं। हमें बहुत अच्छा लगा आपका विचार और वुमेन इम्पावर के लिए बिहार में महिला के हाथ में पैसा देना जरूरी है। आपसे मैं बिना पैसा के वो कुछ नहीं कर सकती है और उसका अल्टरनेटिव मैं बोल रहा हूँ ठीक उल्टा, झारखंड में आपको ये थोड़ा सा मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ, मैं निगेटिव नहीं बोलता लेकिन बोलना पड़ रहा है क्योंकि टॉपिक ऐसा है। झारखंड में जो आदिवासी समाज है उसमें महिलाएं ही कमाती हैं, पुरुष ऐश करता है, मैं ये थोड़ा सा इसीलिए बोल रहा हूँ। और यहाँ पर झारखंड सरकार ने इतनी स्कीम दे रखी है, वो महिलाओं को ही नहीं मालूम है कि उस पैसे को हम क्या करें नहीं करें, इस पर बहुत ही लंबा चौड़ा विवेचन हो सकता है। तो आप जो बोली ना, तो यही जो झारखंड का रेप्लिकेट बिहार कर ले सुमन जी, तो आपका सारे महिलाओं के हाथ में पैसे आने शुरू हो जाएंगे और स्वतः महिलाओं में इम्पावरमेंट आ जाएगा। तो सुमन जी प्रश्न नहीं है, मैं सप्लीमेंट कर रहा हूँ, आपको पुनः नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ अच्छा, ये सुमन जी एक चीज बताइए कि अभी के पॉलिटिकल जंक्चर में जहाँ पर शहर में भी कोई अच्छी इंडस्ट्री नहीं है और तो फिर गांव में लोगों को, ग्रामीण महिलाओं को जो शाही है उनको पैसे देने में क्या अभी के पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में प्रॉब्लम नहीं आती है, आ सकती है क्या?
ऐसा है सर कि पैसा इतनी आसानी से किसी को मिलता नहीं है, और सरकारी पैसे की बात करें तो और बैंक के पैसे की बात करें तो वो बिल्कुल ही आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। वो पॉलिटिकल ही एक सिनारियो है, और हमारे जैसे लोग भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है चार महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट कराने में, अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट होना है तो। लेकिन फिर भी हम लोग जब चाह लेते हैं तो बहुत सारी महिलाओं को कराया है और कराते हैं। लेकिन उसके अलावे क्या है कि हमारे यहाँ काफी बिहार में आप देख रहे हैं कि बिहार में, झारखंड में भी है और उड़ीसा में भी है, कुछ 10 स्टेट में हमारे जो लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का जो काम चल रहा है, सरकार का एक अलग विंग है जिसको वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करती है, जिसको जीविका बोलते हैं और कई जगह शहरों में आजीविका भी बोलते हैं, ये प्रोग्राम है सरकार के, उसमें बड़े पैमाने पे सर लगभग लाखों महिलाएं उसकी सदस्य हैं और वो सभी ग्रामीण महिलाएं ही सदस्य हैं, और उसमें काफी पैसे डाले गए हैं और पूरा ऊपर से नीचे तक स्ट्रक्चर है उसका, गांव लेवल तक स्ट्रक्चर है, पहले एसएचजी ग्रुप है, उसके बाद ग्राम संगठन है, ग्राम संगठन से फिर फेडरेशन है, तो उसके ऊपर काफी महिलाओं को सपोर्ट मिल रहा है, उसको डिनाई हम लोग नहीं कर सकते हैं, और महिलाएं काफी लाभान्वित भी हो रही है, काम भी कर रही है और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट उसमें मिल रहा है। लेकिन उसमें भी अगर जब आप बात करेंगे तो कम से कम मुसहर महिलाएं अभी भी वंचित है, अभी भी खासकर अगर हम मुस्लिम महिलाओं की बात करें जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक समुदाय में खासकर जो मजदूर वर्ग हैं वो अभी भी वंचित है। तो ये जो जिस जाति विशेष के ऊपर हमारी पूरी राजनीति की पहिया घूमती है वो ही वर्ग वंचित है, बीच वाले जो मिडिल क्लास है और थोड़ा सा और लोअर मिडिल क्लास है वहां तक दिक्कत नहीं है, वो पहुंच भी जाते हैं और बातें भी होती है, उनको मिल भी जाता है, पर ये जो बिल्कुल है जिसके लिए हम लोग पूरा पैसा सब्सिडी जो भी कह लीजिए सारी चीजों का प्रावधान करते हैं, वो सारी चीजें आज की तारीख में भी, चाहे वो ट्राइबल वुमेन हो, चाहे मुसहर महिला हो, चाहे वो अल्पसंख्यक में सबसे जो बिल्कुल नीचे तबके की महिलाएं हैं उनकी पहुंच अभी भी नहीं बन पाई है, और वही काम करने की ज्यादा जरूरत है, और उन्हीं को वोट, मतलब वोट के लिए भी उन्हीं को रिझाया जाता है एक्चुअली, और उसके लिए ही सब कुछ किया जाता है, पर उसकी पहुंच आज भी नहीं बन पाई है उनको, हम लोग अभी भी 5 किलो 10 किलो अनाज और 200-500 रुपया में ही उलझा के रखे हुए हैं, उनको हम आगे देने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। तो पॉलिटिकली उनको इम्पावर करने की आज भी बहुत जरूरत है, हमें ऐसा लगता है। दूसरी बात है राजनीति में उनकी जो अभी भी राजनीति में भागीदारी है वो भी अभी सुनिश्चित नहीं हो पा, सुनिश्चित है रिजर्वेशन है, पर वो एक अलग ही सीन हो गया है कि अगर रिजर्वेशन मिल रहा है तो महिलाएं हैं उसमें आ गई है, 2-4-5 जो भी आ रही हैं, लेकिन उसके पीछे पूरा का पूरा एक सिस्टम काम करने लगता है, वो महिलाओं का अपना निर्णय हो नहीं पाता है, उनके पति होते हैं, उनके मालिक होते हैं सो कॉल्ड जो खड़ा कराते हैं, या पूरा जो हमारा एक तंत्र है प्रशासनिक तंत्र है वो हावी रहता है उनके ऊपर, तो वो वर्ग के लिए काम करना तो अभी भी पॉलिटिकली बहुत चैलेंज का बात है, अभी भी उसमें काम नहीं हो पा रहा है। बहुत अच्छा सुमन जी, बहुत अच्छा। अच्छा सुमन जी एक बात मैं पूछना चाहूंगा, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ, ये जो आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी ये 99 में चलाई गई, और इसमें भी ये था कि पुरुषों के भी सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे, महिलाओं के भी होंगे, और कुछ मिक्स ग्रुप थे जिसमें महिलाएं पुरुष दोनों थी। धीरे धीरे सरकार ने क्या किया कि पुरुषों को उससे बिल्कुल हटा दिया गया, हालांकि तो ये ऐसा पुरुषों के साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों की गई, गरीब तो गरीब होता है, उसमें भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्यों हुआ, इस पे कुछ कहना चाहेंगी? एक्चुअली वो जो कार्यक्रम था जो आप बता रहे हैं वो द्वाकरा के तहत आ रहा था कार्यक्रम स्वर्ण जयंती, पहले द्वाकरा ही था, DWCRA उसे चलाती थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बाद में वो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वो फिर आया, और बाद में चल के जब से जीविका आई तब से उसको बिल्कुल ही स्टॉप कर दिया गया। और जो आप जेंडर वाली बात कर रहे हैं पुरुषों वाली, तो आप इतना ही समझ लें
कि यूपी में क्या स्थिति थी मुझे ठीक से नहीं पता है, पर बिहार में तो वो हुआ ही नहीं, वो पता ही नहीं है कि पुरुषों को भी होना था तो पुरुषों को हुआ ही नहीं। अच्छा। और उनको कहीं ना कहीं वो वैसे भी पुरुष थे जो सचमुच में अपने घर के लिए वही इकलौते थे जो कमा सकते थे या उनके वजह से परिवार चलता, लेकिन उनको वो सपोर्ट है। आज भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिसमें कि पुरुषों को आवश्यकता है, आप अगर उनको रोजगार से नहीं जोड़ेंगे तो वो चोर और डकैत बनेंगे, फिर आपके घर में ही चोरी करेंगे, वो क्रिमिनल्स बनेंगे। तो मतलब महिलाओं के सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं है, मतलब मेरा मानना यही है कि महिलाओं के सशक्तिकरण का ये मतलब नहीं है कि हम पुरुषों को भी उसी स्थिति में ला दें, वो बिल्कुल नहीं है। हमको तो किसी भी हाल में समानांतर रूप से महिला और पुरुष दोनों को जो जिस योग्य है उस योग्य उनको सपोर्ट करके और आत्मनिर्भर बनाना है। तो वो कार्यक्रम तो बिल्कुल फेल कर गया, वो कहीं नहीं चला। आप ये ना सोचो कि वो पुरुषों को हटा दिया गया, वो कार्यक्रम महिलाओं के लिए भी था तो ज्यादा काम नहीं हो पाया उसमें, और पुरुषों को तो लिया ही नहीं गया और वो कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम बन के रह गया। उसके बाद ही वर्ल्ड बैंक ने ये पूरा का पूरा जो है आपके ये पूरे यूपी है, झारखंड है, उड़ीसा है, राजस्थान है, गुजरात है, ऐसे पूरे प्रदेश में उसने बिहार की है, ये सारे प्रदेशों में जीविका नाम से वर्ल्ड बैंक के कार्यक्रम लाया, एकदम ग्रास रूट पर जाकर संस्थाओं को शामिल करके और उसके लिए पूरा एक विभाग बना दिया कि आपको दूसरा कोई काम देखना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उन महिलाओं का संगठन बना, एसएचजी बनाना है, उनका फेडरेशन बनाना है और पूरा पैसा उसमें दे दिया कि एक महिला को मिनिमम 50,000 की जरूरत होती है किसी भी रोजगार को करने के लिए, तो वो 50,000 रुपया उनको स्थानीय वहीं पे मिल जाता है। तो ये एक बिहार में एक बड़ी क्रांति हुई और भी राज्यों में हुआ है लेकिन बिहार में तो बड़ी क्रांति हुई और इसके तहत मतलब लगभग 25,00,000 से ऊपर महिलाएं इसमें शामिल हुई और उनको लाभ प्राप्त हुआ है। और उसके साथ साथ क्या हुआ है ना कि उनके पति भी जो बाहर माइग्रेशन कर रहे थे बहुत सारे, बहुत ज्यादा तो हम नहीं कहेंगे लेकिन तकरीबन 20-25% ऐसे उनके पति और बेटे भी थे जो वापस आए हैं और अपने रोजगार को उनके साथ शामिल करके एस्टैब्लिश किया है। अभी कुछ मुद्रा लोन भी चल रहा है तो मुद्रा लोन में भी कुछ लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उसमें भी एक रिजर्वेशन है कि महिलाओं को 50% दिया जाए, तो उसमें भी पुरुषों को भी मिल रहा है, महिलाओं को भी मिल रहा है, तो मुद्रा लोन भी काफी काम कर रहा है कि वो 10,00,000 का लोन है और महिलाओं को मिलता है तो महिलाओं का 5,00,000 उसमें सब्सिडी है, मतलब 5,00,000 रुपया को वापस सरकार को देना है और 5,00,000 रुपया से वो अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कुल 10,00,000 का मुद्रा लोन जो है वो पूरे भारत के लिए है और खासकर जो ऐसे राज्य है वहां के लिए तो अभी उसका भी सपोर्ट उनको मिल रहा है। बस फर्क इतना है सर कि मतलब कोई व्यक्ति ऐसा चाहिए जो ग्रास रूट पे इन सारे कार्यक्रमों के बारे में उनको बताए, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला। हमने कई पुरुषों को भी मुद्रा लोन कराया है जो रोजगार करना चाह रहे थे, थोड़ा कर भी रहे थे पर उनका मतलब पैसा उनको मिल नहीं पा रहा था कि अपने रोजगार को बड़ा रूप दे सके, तो हमने उनको भी लोन कराया बिहार में और वो काफी अच्छे बड़े बड़े दुकान खोले हैं अभी तक 10,00,000 की मुद्रा लोन के साथ, तो वो कर सकते हैं, मिल सकता है। थैंक यू, बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि सरकार की बहुत सी योजनाएं आई जैसे IRDP है ना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, डोकरा प्रोग्राम, मनरेगा प्रोग्राम, आजीविका जो चल रहा है इस समय, तो इन सब इतने सारे प्रोग्राम्स अगर देखा जाए ये कम से कम नहीं तो 400-500 प्रोग्राम्स रहे 1947 से आगे, इंक्लूडिंग सामुदायिक विकास कार्यक्रम। लेकिन जैसा कि आपने अभी बताया कि जो जीविका या आजीविका जैसा इसका नाम है, ये कार्यक्रम सक्सेसफुल हुआ और आपने बताया इसकी ग्राम स्तर पे इनके समूह है, उसके बाद फेडरेशंस है, फिर स्टेट पे देता जाता है, फिर सेंट्रल में देखा जाता है। तो अगर सभी सरकारें, सभी राज्यों की सरकारें इस कार्यक्रम से शिक्षा लें और इसी पे आधारित कार्यक्रम चलाएं जिसमें कि केवल महिलाएं ही आगे हैं
वही जिम्मेवार है, वही अकाउंटेबल है, तो सरकार की योजनाएं भी सफल हो सकती हैं और सरकार को योजनाओं का नाम दोबारा रीनेम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एक ही योजनाओं को सही रूप में, जैसे कि ये आजीविका चल रही है, इसी तरह से चलाएं, तो हम सभी के लिए ये एक एग्जाम्पल होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा आपने बताया। जी, मैं एक दो मॉडल और आपको बता देना चाहती हूँ बिहार में। अभी जो हमारे सदर हॉस्पिटल है ना, जितने भी सदर हॉस्पिटल हैं, वो सदर हॉस्पिटल का पूरा कैंटीन एसएचजी ग्रुप को दे दिया गया है, वो सभी महिलाएं चला रही हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, सभी महिलाएं चला रही हैं और तकरीबन 2500 ऐसे जन वितरण प्रणाली जो होते हैं हमारे गांव में, वो सभी महिलाओं का समूह ही चला रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हमारे यहाँ तैयार हुए हैं, बने हैं, जिसमें की महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली हैं और काम कर रही हैं, अपने परिवार को बहुत आगे बढ़ाया है। तो ये सारे मॉडल्स हैं हमारे। थैंक यू सुमन जी, थैंक यू। उमेश जी, आप नागेश जी, आप कंक्लूजन कर दें। उमेश जी, आप इनका धन्यवाद कर दें। थैंक यू नागेश, नागेश जी से रिक्वेस्ट है, आज सभी को धन्यवाद देते हुए समापन करें। धन्यवाद, धन्यवाद आप कर दें। अच्छा, कंक्लूजन उमेश, कंक्लूजन ये कर दें, नागेश जी कंक्लूजन कर दें। हाँ, और हमारे वक्ता का धन्यवाद और सबका धन्यवाद उमेश जोशी साहब कर दें। थैंक यू, थैंक यू नागेश जी। ओके ओके, थैंक यू। पहले तो सुमन जी की एक एक बात से मैं सहमत हूँ, मैं पुनः उनकी विद्वता, उनके अनुभव को सत सत नमन करता हूँ। और ये सच है, जो भी अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, मिडिल कास्ट, जो भी हो, जब तक महिलाओं के हाथ में पैसा नहीं आएगा, तब तक ना तो वो स्किल डेवलप कर सकती हैं, ना वो नॉलेज शेयर कर सकती हैं। मतलब पैसा आते ही, ये मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव से बोल रहा हूं, एक गजब का एक आत्मविश्वास आ जाता है, और वही पैसा नहीं होने पर वो आत्मविश्वास या कुछ कर गुजरने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सुमन जी के साथ मैं भी जुड़ूं, लेकिन यहीं से बैठ के ही मैं उनको यहां से सारा सपोर्ट दूंगा, और झारखंड में भी वो कुछ करें। और जहां तक कि आपने कहा यूपी में, ये बात सच है कि बिहार में अभी भी बहुत सारे जो सेंट्रल स्कीम हैं, वो ग्रास रूट तक, आई रिपीट, पॉलिटिकल कारणों से नहीं पहुंचाया गया है। मैं इसके लिए, मैं न्यूट्रल आदमी हूं, मैं किसी पार्टी विशेष का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन हमारे चाचा पॉलिटिशियन थे तो उसका हम पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं बस ज्ञान का भूखा हूं और सेवा का भूखा हूं, और मैं आज के सेशन के लिए ये सुमन जी जो अभी जो लास्ट में शेयर की हैं, हमें खुशी हुई कि बहुत कुछ हो रहा है, और केवल सरकार महिलाओं के हाथ तक पैसा पहुंचा दे तो बहुत सारी चीजें, उनका एम्पावरमेंट स्वतः हो जाएगा। मेरा यही कंक्लूजन है। और वैसे ये ये सब्जेक्ट ही आनंद है, इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन एक जो अभी भी मैं जो बहुत महत्वपूर्ण बात शेयर कर रहा हूं, जिस दिन भारत में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, प्रॉस्पेरिटी की एक सीमा पर हम जितना आगे बढ़ेंगे, हमारी महिलाएं स्वतः सशक्त हो जाएंगी। मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका, उसमें और हम में केवल इतना ही फर्क है कि वहां पर एक सिंगल महिला भी अपना जीविका चला लेती हैं, क्योंकि वो उतनी सशक्त हो चुकी हैं, कारण पैसा। तो मैं पूर्ण रूप से आशान्वित हूं जिस ढंग से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हर लेवल से हमारा भारत 2029-30 तक, पहले ये टारगेट 2024 ही था, इसीलिए मैं अब आगे बढ़ा रहा हूं, 29-30 तक प्रॉस्परस हो जाएगा, तो महिलाएं स्वतः सशक्त
हो जाएंगी और उनका विकास कोई नहीं रोक सकता है, ये मैं अपने ज्ञान चक्षु से अभी भी देख रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। हाँ, थैंक यू वेरी मच अमिताभ जी, नागेश जी और आज की मुख्य वक्ता सुमन जी, शुक्ला जी और खोरी माहेश्वर प्रसाद साहब, एके वर्मा साहब जो आज यहाँ पे आए। बहुत अच्छा इसकी कार्यक्रम चला और मैं समझता हूँ कि जो अमिताभ जी प्रयास कर रहे हैं इसको और सशक्त करने की जरूरत है। मैं भी आज थोड़ा सा लेट हो गया, मुझे खेद है क्योंकि मैं कहीं चला गया था और इस कार्यक्रम में जो अखोरी माहेश्वर प्रसाद साहब, नागेश जी का और आज सुमन जी का जो योगदान रहा वो स्मरणीय है। और इस तरह की वार्ताएं जैसे कि आज सुमन जी ने बताया कि किस प्रकार से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, सामाजिक रूप से सशक्त हो रही हैं, और उन्होंने जो मुद्रा योजना के बारे में बताया जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोन उनको मिलता है उस लोन में बैंक उनको 50% सब्सिडी देता है, ये भी एक अच्छी जानकारी सुमन जी ने दी। और मैं समझता हूँ कि जो दो योजनाएं मुद्रा योजना और जीविका मिशन, ये योजना जो चल रही है सुमन जी जिसमें सक्रिय रूप से हैं, तो ये एक रोल मॉडल है और सरकार को, बिहार सरकार को, और मैं चूंकि SIRD और प्रशासनिक अकादमी में मैं जाता हूँ, मैं सुमन जी के द्वारा जो आज भाषण दिया गया उससे जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ उसको मैं वहाँ पे बताऊंगा। और ये भी उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अमिताभ जी के माध्यम से सुमन जी से संपर्क करें और ये जो दो कार्यक्रम उन्होंने बताए उनमें क्या कुछ हम उत्तर प्रदेश में भी कर सकते हैं इसको भी मैं उन लोगों को अवगत कराना चाहूंगा। और मुझे यकीन, मुझे उम्मीद है कि सुमन जी जब उनके हमारी उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकादमी अगर उनसे संपर्क करती है कि उत्तर प्रदेश में भी जीविका मिशन कार्यक्रम जिसमें महिलाओं के समूह सहायता के द्वारा उनके आर्थिक विकास पे बहुत ही बेहतरीन काम किया जा रहा है उसका लाभ उत्तर प्रदेश राज्य को भी मिलेगा उनके स्तर से, तो मैं अमिताभ जी के द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं उसके लिए उनको साधुवाद। नागेश्वर झा साहब बहुत अच्छा भाषण देते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बेबाक बोलते हैं, वो ये भी बताते हैं, संकोच नहीं करते जहाँ पे वो देखते हैं कि क्या चीज योजनाओं में या किसी भी विषय में क्या गलत हो रहा है। सर आपको भी धन्यवाद, शुक्ला जी को भी धन्यवाद, एको माहेश्वरी प्रसाद अखोरी माहेश्वर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमने मिस किया खान साहब को, है ना, तो खान साहब से भी रिक्वेस्ट होगी कि अगली बार को आप आए। और उमेश जी ने बहुत अच्छा, डॉक्टर उमेश कुमार ने बताया कि उन्होंने अपने स्तर पे, स्टेट स्तर पे जब वो जिस योजना के वो डायरेक्टर थे किस प्रकार से उनके द्वारा प्रयास किए गए और महिलाओं को कंपटीशन में फीस जो उनके द्वारा दी जाती है उसमें भी उनको सब्सिडी दिलवाई और विभिन्न योजनाओं में यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में किस प्रकार से उनकी फीस वेव ऑफ कर दी गई, उनके द्वारा बेहतरीन प्रयास किया गया। क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं अब ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहूंगा। और अमिताभ जी, हम वादा करते हैं कि आपके मार्गदर्शन में, निर्देशन में हम अगले रविवार को फिर इसी प्रकार से सक्रिय दिखाई देंगे। थैंक यू वेरी मच, सभी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। बहुत 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 आभार आप सभी का, आप सबों ने बहुत धैर्यता से लास्ट में मैं पहुंच पाई लेकिन आप लोगों ने सुना और मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत आभार, बहुत आभार। हाँ सुमन जी और ये जोशी जी, नागेश जी और सभी को जो अभी हैं, बता दें अगले रविवार को एक विद्वान डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय गीता पर बोलेंगे, वो राजी हो गए हैं। डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय, जोशी जी बहुत दिन से बोल रहे थे, वो राजी हो गए हैं, तो हम लोग फिर उसमें शामिल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। नमस्कार सर, शुभ रात्रि सभी लोगों को। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, गुड नाइट।